समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। जहाँ समुद्र जमीन से मिलता है उसे तट कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर सागर से सटे सकरे मैदान हैं, इन्हें समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। सह्याद्री घाट के पश्चिम में गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ से मुंबई और गोवा से होते हुए केरल के दक्षिणी छोर तक पश्चिमी तटीय मैदान फैला है। पूर्वी तटीय मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टाओं को जोड़ते हुए कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कन्याकुमारी में दोनों मैदान मिल जाते हैं। पश्चिम का तटीय मैदान पूर्वी मैदान की तुलना में सकरा है। इन दोनों तटीय मैदानों का निर्माण और यहाँ की स्थलाकृतियाँ एक दूसरे से अलग हैं। पहला, पश्चिमी तटीय मैदान। यह मैदान अरब सागर एवं पश्चिमी घाट के मध्य स्थित है। इस मैदान की उत्पत्ति जमीन के धंसने की क्रिया निमज्जन से हुई है। कालांतर में इस डूबे भाग पर अवसादों के जमाव से यह अस्तित्व में आया है, इसलिए यह एक सकरी पट्टी के रूप में है। इसकी औसत चौड़ाई मात्र 64 किलोमीटर है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है। इसका ढाल तीव्र है। इसमें बहने वाली नदियाँ इस मैदान को समानांतर रूप से काटती हैं। ये नदियाँ छोटी एवं तीव्र वेग वाली हैं, इस कारण ये अपने साथ बहुत कम अवसाद लाती हैं तथा अपने मुहाने पर जमा भी नहीं कर पाती हैं। ये अवसाद गहरे सागर तल तक पहुँच जाते हैं, इससे इनका मुहाना खुला रहता है, जिसे एस्चुअरी कहते हैं। दमन से गोवा तक मैदान को कोंकण का मैदान कहते हैं। यह तट बहुत कटाफटा है। मुंबई बंदरगाह इसी मैदान में स्थित है। गोवा से मंगलुरु मंगलापुरम तक के मैदान को कर्नाटक या मैसूर का मैदान कहते हैं। मंगलुरु से कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी तक के मैदान को मालाबार का मैदान कहते हैं। इस क्षेत्र की विशेष स्थलाकृति लंबे एवं सकरे कयाल बैकवाटर होते हैं। इनमें समुद्र का खारा पानी और नदी के मीठे जल मिलते हैं, जिनमें मछली पकड़ना और नौकायान किया जाता है। इसका निर्माण नदियों के मुहाने पर बालू जमा हो जाने से होता है। कोच्चि बंदरगाह ऐसी ही जगह पर स्थित है। यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र है, जो मानव निवास के अनुकूल है। यहाँ रबर, सिंकोना, कहवा, गरम मसाले, नारियल एवं काजू की खेती की जाती है। निचले मैदान में गन्ना एवं धान तथा ऊपरी पहाड़ी ढालों पर चाय की खेती होती है। मध्यकाल में वास्को डी गामा अपने बेड़े के साथ यहीं पहुंचा था। पुर्तगालियों ने गोवा को अपना प्रमुख केंद्र बनाया था। इस मैदान के उत्तरी भाग को गुजरात के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसमें कच्छ एवं सौराष्ट्र प्रायद्वीप का तटवर्ती क्षेत्र एवं गुजरात का आंतरिक मैदान सम्मिलित है। यहाँ बनास, माही, साबरमती, नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ बहती हैं। कच्छ सौराष्ट्र का मैदान अर्धशुष्क, नमकीन एवं रेतीला है। वर्षा ऋतु में यह भाग बाढ़ग्रस्त एवं दलदली हो जाता है। इस क्षेत्र में खनिज तेल मिलने से इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में तेजी आई है। दूसरा, पूर्व तटीय मैदान। पूर्व तटीय मैदान पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। इसका विस्तार उत्तर में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक है। इसकी उत्पत्ति जमीन के ऊपर उठने की क्रिया उन्मज्जन से हुई है, इसलिए इस पर प्रायद्वीप से बहने वाली बड़ी बड़ी नदियाँ अपने अवसाद का जमाव करती हैं। इस कारण मैदान का ढाल मंद है। नदियाँ अपने मुहाने पर लंबे चौड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। इनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तथा पेन्नार डेल्टा प्रमुख हैं। इस तटीय मैदान में समुद्री लहरों ने अपरदन क्रिया से एक विशाल लैगून झील का निर्माण किया है। हम इस झील को चिल्का झील के नाम से जानते हैं। डेल्टाई भाग में लहरों द्वारा बालू के टीलों से घिरे लैगून अनूप झील भी निर्मित हैं। पुलिकट झील इसका सुंदर उदाहरण है। पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग ओडिशा राज्य में आता है। यह महानदी द्वारा निर्मित विस्तृत एवं उपजाऊ डेल्टा है,
जहाँ चावल एवं जूट की खेती होती है। झींगा मछली के लिए विश्व प्रसिद्ध चिल्का झील इसी मैदान में है। कई देशों में यहाँ से झींगा निर्यात होता है। पूर्वी मैदान का मध्यवर्ती भाग आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में है। इसे काकीनाडा का मैदान क्षेत्र कहते हैं। यहाँ गोदावरी एवं कृष्णा नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। पुलिकट झील और प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापट्टनम इस क्षेत्र में है। पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग तमिलनाडु राज्य के तटीय भाग में फैला है। इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ कावेरी एवं पेन्नार नदियाँ प्रवाहित होती हैं एवं डेल्टा बनाती हैं। चेन्नई बंदरगाह इसी तट पर स्थित है।